بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم قد فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبس فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق وعابدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير
يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم صدق الله العلي العظيم. सूरह कसस के बाद आज सूरह अनकबूत। सूरह अनकबूत तरतीब के लिहाज से ये 29वां सूरह है और इसकी 69 आयतें हैं और ये सूरह मक्के में नाजिल हुआ है। इरशाद होता है कि उस अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। अलिफ लाम मीम, ये सूरह भी सूरह बकरा के तरीके से और बाकी दूसरे कुछ सूरों की तरीके से हरूफ मुकत्तआत से शुरू होता है, यानी अलग अलग अक्षरों से। अलिफ लाम मीम, जिसके मुताल्लिक मैं पहले आपकी खिदमत में अर्ज कर चुका हूं कि हरूफ मुकत्तआत का तर्जुमा आज तक नहीं हो सका है कि वाकयन इन हरूफ मुकत्तआत का मतलब और माना क्या है। इसके बाद इरशाद होता है कि क्या लोगों ने यह ख्याल कर रखा है कि वो सिर्फ इस बात पर छोड़ दिए जाएंगे कि वो ये कह देंगे कि हम ईमान ले आए हैं। बहुत ही गौरतलब आयत है। क्या लोगों ने यह ख्याल कर रखा है कि वो सिर्फ इस बात पर छोड़ दिए जाएंगे कि वो ये कह दें कि हम ईमान ले आए हैं और उनका इम्तिहान नहीं होगा। इसका मतलब ही यह है कि कोई भी इंसान सिर्फ ये कहे जाने पर कि हम मोमिन हैं, हम शिया हैं, हम मुहिब अहले बैत हैं, छोड़ा नहीं जाएगा। सिर्फ कहने भी छोड़ा नहीं जाएगा। उसने अगर ये कहा है तो उसे आजमाया जाएगा कि वाकयन ये शिया है कि नहीं है, वाकयन ये मोमिन है कि नहीं है, वाकयन ये मुहिब अहले बैत है कि नहीं है। बेशक हमने इनसे पहले वालों का भी इम्तिहान लिया है और अल्लाह तो बहरहाल ये जानना चाहता है कि इनमें कौन सच्चे हैं और कौन झूठे हैं, कौन सच्चे हैं और कौन झूठे हैं। इन दोनों आयतों के मुताल्लिक कहा जाता है कि रसूल अकरम हिजरत करके मदीने की तरफ चले तो हाँ, जाहिर है कि खुदा अपने इल्म में किसी इम्तिहान का मोहताज नहीं है और वो सब के हालात से बखूबी वाकिफ है। ये इम्तिहान सिर्फ इतमाम हुज्जत के लिए होता है ताकि लोग उसके फैसले पर उंगली न उठाएं और खुद तजुर्बा करके देख लें कि मंजिले मसाइब में उनका किरदार क्या होता है और राह खुदा में उनकी कुर्बानियों की हालत और कैफियत क्या होती है, वरना वो किसी बात से बेखबर नहीं है और न कोई उससे बचकर निकल सकता है और न उसे किसी इम्तिहान की और आजमाइश की जरूरत है। ये आजमाइश भी खुद इंसान के लिए ही करता है। क्या बुराई करने वालों का ख्याल यह है कि हमसे आगे निकल जाएंगे? ये बहुत गलत फैसला कर रहे हैं। जो भी अल्लाह की मुलाकात की उम्मीद रखता है
उसे मालूम रहे कि वो मुद्दत यकीनन आने वाली है और वो खुदा समी भी है यानी सुनने वाला भी है और अलीम भी है यानी जानने वाला भी है। जिसने भी जिहाद किया है उसने अपने लिए जिहाद किया है और अल्लाह तो सारे आलमीन से बेनियाज है, यानी कोई जिहाद करके अल्लाह के ऊपर एहसान न रखे कि हमने तो उसकी राह में जिहाद किया और ये किया और वो किया। जिहाद किया तो तुमने अपने लिए किया है, अल्लाह ने तुमने एहसान नहीं कर दिया कुछ। और जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक आमाल किए हम यकीनन उनके गुनाहों की पर्दापोशी करेंगे। जो लोग ईमान लाए हैं और उन्होंने नेक आमाल अंजाम दिए तो अल्लाह कह रहा है अगर उनसे कोई गलतियां हो भी गई हैं तो उसको हम ढांक देंगे और उन्हें उनके आमाल की बेहतरीन जजा और इनाम अता करेंगे। और हमने इंसान को मां बाप के साथ नेक बर्ताव करने की वसीयत की है और बताया है कि अगर वो किसी ऐसी शय को मेरा शरीक बनाने पर मजबूर करें जिसका तुम्हें इल्म नहीं है तो खबरदार उनकी इताअत न करना कि तुम सब की वापसी मेरी तरफ है, फिर मैं बताऊंगा कि तुम लोग क्या कर रहे थे। अब आप यहां के ऊपर भी देखिए कि पहले अल्लाह ने मां बाप की अजमत को बताया कि मां बाप की अजमत क्या है, मां बाप की अहमियत क्या है और कहा कि देखो इनके साथ नेक बर्ताव करना, यह अल्लाह की तरफ से इंसान को एक नसीहत है, एक वसीयत है। फिर उसके बाद उनकी हद बता दी कि देखो इनकी इताअत है लेकिन कहां तक, जहां तक इनका हुक्म अल्लाह के हुक्म से न टकराए। हां अगर ये तुमसे शिर्क के लिए कहे तो कतअन इनके कहने पे कि हम अबू तुमने तो कहा था कि मां बाप की इताअत करो लिहाजा उसने उन्होंने कहा कि शिर्क करो तो हमने शिर्क किया, कहा कि नहीं मां बाप की इताअत वाजिब है लेकिन अगर तुमसे यही मां बाप शिर्क के लिए कहें तो खबरदार इनकी इताअत ना करना और इनकी बात ना मानना। क्यों? इसलिए कि तुम सब मेरी ही तरफ आओगे। और जिन लोगों ने ईमान इख्तियार किया और नेक आमाल अंजाम दिए हम यकीनन उन्हें नेक बंदों में शामिल कर लेंगे। और बाज लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर ईमान ले आए उसके बाद जब राह खुदा में कोई तकलीफ होती तो लोगों के फितने को अजाब खुदा जैसा करार दे दिया, हालांकि आपके परवरदिगार की तरफ से कोई मदद आ जाती तो फौरन कह देते कि हम तो आप ही के साथ थे, तो क्या खुदा इन बातों से बाखबर नहीं है। और जो आलमीन के दिलों का दिलों में है, और ऐसा कभी कभी ये हमारे खुद अंदर भी ये कैफियत पैदा होती है और ये चीज देखने में आती है कि अगर कहीं से कोई बुराई मिलने लगी तो हमने कहा इसकी वजह से हुआ और उसकी वजह से हुआ और ये हुआ, और कहीं से कोई अच्छाई मिलने लगी कहो हमारी तो वजह से हुआ, हमारी वजह से हुआ। वही चीज यहां के ऊपर अल्लाह बाज मुसलमानों की बयान कर रहा है कि बाज मुसलमान ऐसे हैं कि जब वो फितने कि जब वो राह खुदा में कोई तकलीफ होती है तो लोगों के फितने को अजाब खुदा जैसा करार दे देते हैं, हालांकि आपके परवरदिगार की तरफ से कोई मदद आ जाती है तो फौरन कह देते हैं कि हम तो आप ही के साथ थे, और क्या खुदा इन बातों से बाखबर नहीं है जो आलमीन के दिलों में है। और वो यकीनन उन्हें भी जानना चाहता है जो साहिबान ईमान है और उन्हें भी जानना चाहता है जो मुनाफिक। और ये कुफार ईमान लाने वालों से कहते हैं कि तुम हमारे रास्ते की पैरवी कर लो, हम तुम्हारे गुनाहों के जिम्मेदार हैं।
हालांकि वो किसी गुनाह का बोझ उठाने वाले नहीं है और सरासर झूठे हैं। कभी कभी दुनिया में आपने देखा होगा कि आम बोलचाल में, घर बार में, समाज में कुछ ऐसे अफराद आ जाते हैं, भाई हम ये काम नहीं करेंगे, ये काम अल्लाह ने मना किया है, अरे जाकर मैं जिम्मेदार हूं। आपने सुना होगा, यही खुद यानी समाज में भी ऐसे लोग मिल जाते हैं, अरे तुम करो हम हैं, चलो ठीक है इसकी जवाबदारी हमारे ऊपर, इसकी जवाबदारी हमारे, इसका जिम्मेदारी हमारे, इसका जिम्मा हमारे ऊपर। अल्लाह कह रहा है कि ऐसे लोग हैं, और यकीनी खुद कुफार साहेबान ईमान से कहते हैं कि तुम गुनाह करो, और गुनाह से डरो नहीं, अगर गुनाह करोगे उसकी जिम्मेदारी हम, अगर कोई अजाब होता है उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर। अरे जब अजाब होगा तो कहां तू रहेगा, जो जिम्मेदारी ले रहा है कि हाँ अजाब होगा तो जिम्मेदारी हमारे ऊपर। और उन्हें एक दिन, और इन्हें एक दिन अपना बोझ भी उठाना ही पड़ेगा, और उसके साथ उन लोगों का भी कि जिनकी जिम्मेदारी इन्होंने ली थी, और कयामत इनसे उन बातों के बारे में, कयामत के दिन इनसे उन बातों के बारे में सवाल भी किया जाएगा जिनके मुतालिक ये तोहमतें और इल्जामात लगाया करते थे और बड़ी बड़ी बातें किया करते थे। और हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा और वो उनके दरमियान 50 साल कम 1000 साल रहे, 950 साल। हमने नूह को उनकी कौम में भेजा तो वो 1000 में 50 साल कम अपनी कौम में रहे। फिर कौम को तूफान ने अपनी गिरफ्त में ले लिया कि वो लोग जालिम थे। अगरचे जनाबे नूह की उम्र के बारे में अलग अलग रवायतें हैं, यहां तक कि 2500 साल तक की रवायत है कि जनाबे नूह जो है 2500 साल जिंदा रहे हैं। और ये जो 950 साल कुरान कह रहा है ये खाली तबलीग के थे, जैसे रसूलुल्लाह की उम्र 63 साल है लेकिन जो तबलीग का जमाना है वो 40 साल है, तो जो तबलीग का जमाना है वो 23 साल है। तो ऐसे ही जनाबे नूह की उम्र के मुतालिक रवायतें हैं कि 2500 साल तक की उम्र थी लेकिन जो तबलीग का जमाना था, क्योंकि तो कुरान ने कहा कि उस ये 950 साल कौम में रहे, कौम में रहने का मतलब यानी कौम में रहकर उन्होंने तबलीग की, और उसके बाद फिर कौम का हाल क्या हुआ, तूफान ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। फिर हमने नूह को उनके साथ कश्ती वालों को नजात दे दी और उसे आलमीन के लिए एक निशानी करार दे दिया। और इब्राहिम को याद करो जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह की इबादत करो और उससे डरो कि इसी में तुम्हारे लिए बेहतरी है, अगर तुम कुछ जानते हो तो तुम खुदा को छोड़कर सिर्फ बुतों की परस्तिश करते हो और अपने पास से झूठ गढ़ते रहते हो, याद रखो कि खुदा के अलावा जिनकी भी पूजा की जाती है वो तुम्हारे रिस्क के मालिक नहीं है, रिस्क का मालिक अल्लाह है, रिस्क खुदा के पास से तलाश करो और उसी की इबादत करो, उसी का शुक्रिया अदा करो कि तुम सब उसी की बारगाह में वापस ले जाए जाओगे। और अगर तुम तकजीब करोगे, अगर तुम इस बात को झुठलाओगे तो तुमसे पहले बहुत सी कौमें ये काम कर चुकी, कोई नया काम नहीं करोगे, तुमसे पहले न जाने कितने आए और उन्होंने नबियों को झुठलाया और वलियों को झुठलाया और अल्लाह को झुठलाया, तो ये तुम्हारा कोई नया काम नहीं होगा, तुमसे पहले ये कौमें कर चुकी। और रसूल की जिम्मेदारी तो सिर्फ वाज़ह तौर पर पैगाम पहुंचाना है, ये नहीं देखना है कि हाँ पता नहीं मानेंगे कि नहीं माने, न माने उनका काम है पैगाम पहुंचाना। क्या इन लोगों ने नहीं देखा कि खुदा किसी तरह मखलूकात को ईजाद करता है,
और फिर दोबारा वापस ले जाता है। ये सब अल्लाह के लिए तो बहुत आसान है, मौत और जिंदगी हमारे लिए मुश्किल हो सकती होगी, अल्लाह के लिए तो पैदा करना और मरना बहुत आसान है। आप कह दीजिए कि तुम लोग जमीन में सैर करो और देखो कि खुदा ने किस तरह खिलकत का आगाज किया है। इसके बाद वही आखिरत में दोबारा ईजाद करेगा, बेशक वही हर शय पर कुदरत रखने वाला है। वो जिस पर चाहता है अजाब करता है और जिस पर चाहता है रहम करता है, और तुम सब उसी की तरफ पलटाए जाओगे, और तुम जमीन या आसमान में उसे आजिज कर सकने वाले नहीं हो। तुम कुछ भी करो लेकिन उसको आजिज नहीं कर पाओगे, और उसके अलावा तुम्हारा कोई सरपरस्त या मददगार भी नहीं है। और जो लोग खुदा की निशानियों और उसकी मुलाकात का इनकार करते हैं वो मेरी रहमत से मायूस है, और उनके लिए दर्दनाक अजाब मौजूद है। सदकल्लाहुल अलीयुल अजीम बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावात। أعوذ بالله من الشيطان اللين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أعزائي الكرام سلسلہ بیان آپ لوگوں کے ذہن میں موجود ہے کہ نماز کے سلسلے کو بیان کر رہا تھا آپ کی خدمت میں دو دن اذان و اقامت کے سلسلے میں عرض کیا اور دو دن فضیلت نماز اور پھر دو سنڈے آپ کی خدمت میں راتوں کی عبادت اب اسی میں تیسری چیز ہے نماز کو جماعت سے پڑھنا نماز ہی سے ملی ہوئی چیز کہ نماز تو پڑھنا ہے گھر میں بھی پڑھنا ہے جماعت سے بھی پڑھنا ہے جس طریقے سے پروردگار عالم نے قرآن میں نماز کا حکم دیا ہے اسی طریقے سے نماز جماعت کا حکم دیا اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو واتو الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرو ورکعوا مع الراکعین رکو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ یعنی نماز کو جماعت سے پڑھو اس آیت میں نماز جماعت کا اسی طرح حکم ہے جس طرح نماز کا ہے آپ دیکھیں کہ نماز جماعت کی بہت اہمیت ہے اور بہت انداز سے معصومین نے اس کی عظمت کو سمجھایا آپ لوگ خوشا نصیب ہیں کہ آپ کے ہر محلے میں نماز جماعت ہوتی ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بزرگ ہوں مسجد کیسے پہنچوں میں تو 2 کلومیٹر دور ہر جگہ آپ دیکھیں نماز جماعت کا اہتمام ہے لہذا کون انسان ہوگا جو گھاٹے کا سودا کرے اسے چاہیے کہ نماز کو جماعت سے پڑھے اس کے بہت فائدے ہیں محمد بن عمار نے ایک خط کے ذریعے 8ویں امام سے سوال کیا ایک شخص کا ایک انسان کا مسجد کوفہ میں فرادہ نماز پڑھنا افضل ہے یا جماعت کے ساتھ امام علیہ السلام نے اس خط کے جواب میں لکھا نماز کا جماعت کے ساتھ پڑھنا افضل مسجد کوفہ میں ایک رکعت نماز 1000 رکعت کے برابر وہاں مولا کا دارالسلطنت رہا سارے انبیاء نے بہت سارے انبیاء نے عبادتیں کی لیکن مسجد کوفہ سے بھی زیادہ نماز کو جماعت سے پڑھنا افضل دوسرے مقام پہ آپ دیکھیں امام فرماتے ہیں چھٹے امام کی ایک ایسی نماز جو جماعت کے ساتھ ادا کی جائے
अदा की जाए उन 25 नमाजों से अफजल है जिन्हें फरादा पढ़ा जाए। अब आगे की रवातों में इस 25 की भी तशरी करेंगे कि जमात की एक रकात का मकाम क्या है। फिर इमाम फरमाते हैं एक रकात नमाज को जमात के साथ अदा करने से 1000 रकात नमाज अदा करने का सवाब मिलता है। धीरे धीरे आपको रवायतों में मुसलसल इजाफा मिलेगा। फिर पैगंबर फरमाते हैं जो शख्स मुसलसल 40 रोज इस तरह नमाज जमात अदा करे कि हमेशा तकबीरतुल अहराम इमाम के फौरन बाद कहे, जो पहली तकबीर है उसे क्या कहते हैं, तकबीरतुल अहराम, और यही एक तकबीर पूरी नमाज में वाजिब है, और इसको बिल्कुल साकित रह के करना चाहिए, यानी इसमें कयाम भी जरूरी है कि ऐसा नहीं है कि हिल रहा है वो कर रहा है उसमें जल्दी वल्दी में अल्लाह, नहीं, सुकूत के साथ इत्मीनान के साथ और हाथों को पूरे कानों तक बुलंद करके कहे। अगर ऐसा करता है 40 रोज तक तो दो चीजों से दूर हो जाएगा, बरी हो जाएगा, एक तो जहन्नम की आग से, दूसरे निफाक से, मुनाफिक कहीं कुछ कहीं कुछ, और मुनाफिक जहन्नम के बिल्कुल निचले तबके में रहेगा। इन्नल मुनाफिकीना फी दरकिल असफल मिनन नार, मुनाफिक जहन्नम के सबसे निचले तबके में रहेगा। तो जो 40 दिन इस तरीके से नमाज जमात पढ़ ले, अब इमाम के पहले ही ना कह दे कि अभी इमाम की तकबीरतुल अहराम भी नहीं हुई और हमने कह दी, इमाम से मुत्तसिल जल्दी से जल्दी। फिर देखें पैगंबर फरमाते हैं मेरी उम्मत की नमाज जमात की सफ़ें आसमान पर मलाइका की सफ़ों की मानिंद। हम लोग कितने मुख्तसर होते हैं, लेकिन मलाइका की सफ़ें, अल्लाह ने कितनी तादाद में मलाइका पैदा किया है किसी को खबर ही नहीं, इनकी तादाद के मानिंद होंगी, और एक रकात नमाज को जमात के साथ पढ़ने का 24 रकात नमाज के बराबर है। अब देखिए वहां 25 कहा था, यहां 24 कहा रवायत में। अब देखिए इस एक रकात, और इसमें से हर रकात 40 साल की इबादत से बेहतर है। पहले तो लगा भाई 25 रकात के बराबर, 24 रकात के बराबर कुछ है ही नहीं, लेकिन इसकी जमात की एक रकात 40 साल की इबादत से बेहतर। रोज कयामत जब खुदा अव्वलीन और आखरीन सबको जमा करेगा, तो जो नमाज जमात में शामिल होते होंगे उनके खौफ में कमी आ जाएगी। जैसे किसी बड़े इंसान के पास जाइए, किसी बड़े ओहदे वाले के पास जाइए, घबराहट होती है, बच्चा एग्जाम में जाता है, क्या होगा क्या नहीं होगा, कोई जहन्नम में जा रहा है, कोई गिरा जा रहा है, कोई कुछ हो रहा है, लेकिन जो नमाज को जमात से पढ़ रहा होगा कयामत के दिन, इसके खौफ में कमी हो जाएगी, इत्मीनान महसूस करेगा और वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। दाखले जन्नत की भी जमानत है। फिर पैगंबर फरमाते हैं एक ऐसी बात बताऊं जो तुम्हारे गुनाहों का कफारा हो, तुम्हारी नेकियों में इजाफे का सबब बने। सबने कहा फरमाएं, कहा या रसूल्ला, तब आपने फरमाया मुश्किलात में मुकम्मल वजू करना, यानी जो मुस्तहबात हैं, पहले जो है हाथों को धुलना, कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, दो मरतबा चेहरे का धुलना, दाहिने हाथ का दो मरतबा, बाएं हाथ का एक मरतबा, सर का मुसा, पैर का, मुकम्मल वजू, वरना चेहरे पे आप नियत करके डाल दीजिए, दोनों हाथ, सर का मुसा, पैर का, हो जाएगा मुकम्मल वजू। मुश्किलात में मुकम्मल वजू करता हो और ज्यादा दूर चल के नमाज जमात में जाता हो,
अगर नमाज पढ़ चुका है और फिर भी देखा जमात लग गई तो उसी नमाज को फिर से पढ़ता। जब कोई शख्स अपने घर से, अब देखिए अपने घर से निकले, वजू करके निकले, घर से तहारत के साथ निकले ताकि नमाज को जमात से अदा करे, तो जब तक वो नमाज का इंतजार करेगा मलाइका इस पर रहमत भेजते रहेंगे, अगर घर से वजू करके चलेगा जमात के लिए। जब तुम नमाज के लिए खड़े हो तो अपनी सफों को सीधा रखो, दरमियानी फासला कम रखो, और पहली सफ में नमाज पढ़ना जैसे राहे खुदा में जिहाद करने के मानिंद है। इस सिलसिले की आखिरी रवायत, पैगंबर इस्लाम ने से एक दिन नमाज जोहर और असर के बाद जिब्राइल अमीन 70,000 मलाइका के साथ आए। क्या पैगंबर इस्लाम खुदा तोहफे दुरूद व सलाम के बाद फरमाता है कि दो चीजें हमने आपको तोहफे में दी, एक नमाज वित्र और शिफा, दूसरे नमाज जमात। जब मैंने पूछा नमाज जमात में मेरी उम्मत को के लिए क्या फायदा है, तो जिब्राइल ने फरमाया आए पैगंबर, जब नमाज जमात में दो आदमी हो, एक इमाम एक मामूम, दो आदमी हो, तो खुदा हर रकात के बदले 150 रकात नमाजों का सवाब लिखता है, और जब तीन आदमी हो तो हर रकात के बदले 600 रकात का सवाब लिखता है, और जब चार हो तो एक रकात के बदले 1200 रकात का सवाब लिखता है, और जब 6 हो जाएं तो 4800 रकात का एक रकात के बदले सवाब लिखता है, और अगर 7 हो जाएं तो 9600 रकात एक रकात के बदले उसके नामे आमाल में सवाब लिखा जाता है, और अगर 8 हो जाएं, 8 हो जाएं तो फिर जो है इसका सवाब जो है 19200 रकात एक रकात के बदले इसके नामे आमाल में लिखा जाता है, और जब नमाज जमात में तादाद जो है यहां तक कि 9 आदमी की पहुंच जाए तो 38400 रकात का एक रकात के बदले सवाब लिखा जाता है, और जब नमाज जमात में 10 अफराद हो जाएं तो 76800 रकात का एक रकात के बदले सवाब लिखा जाता है, और जब नमाज जमात में अफराद 10 से ज्यादा हो जाएं तो अगर आसमान कागज बन जाए, दरिया स्याही बन जाएं, सारे दरख्त के पत्ते जो है कागज बन जाएं, और सारे दरख्त कलम बन जाएं, और सारे जिन्नो इंस मिलकर उस नमाज जमात का सवाब लिखना चाहें तो नहीं लिख सकते। यह है नमाज जमात। ऐ पैगंबर, एक तकबीर इमाम जमात के साथ पढ़ना 60 हज और उम्रे के बराबर है। दुनिया की तमाम अशिया को 70,000 मर्तबा राय खुदा में खर्च करने के से बेहतर है। एक मोमिन का एक रकात इमाम जमात के साथ अदा करना 1,00,000 दीनार मसाकीन में तकसीम करने के बराबर है। एक मोमिन का एक सजदा, आप पहुंचे इमाम खाली सजदे में है, सीधे सजदे में चले गए, उसके साथ एक सजदा इमाम जमात के साथ अदा करना 100 गुलाम आजाद करने से बेहतर है। यह है नमाज जमात। इंशाल्लाह अगले संडे में आपकी खिदमत में इसके आगे अर्ज करेंगे। दुआ करते हैं परवरदिगार हम सबको अहले बैत की सीरत पे चलने की तौफीक इनायत फरमाए, मजारात मुकद्दसा की हिफाजत फरमाए, जो भी मोमिन मोमनात बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिल व आजिल इनायत फरमा, हम सबको हर साल हज ज़ियारत की सआदत नसीब फरमा, इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, हम सब को उनके ऐवान अनुसार में शुमार फरमा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جی 5 منٹ ہیں اور ان 5 منٹ میں
जैसा कि इससे पहले भी दर्स में मैंने आप ही हजरात से सवाल किया और आप ही को मुखातब किया है कि ये जो आखिरी 5-10 मिनट होते हैं ये अहकाम के हैं, लिहाजा अगर कोई आप लोगों का मसला है, सवाल है, तो बिस्मिल्लाह, ताकि उससे बात आगे बढ़े और फिर मसला कोई बयान किया जाए। जी कर्बला में दुश्मन हो गया लश्कर में से जनाब उमर अलैहिस्सलाम, उसका गुलाम, उसका भाई और उसका बेटा चार ही आया था, लेकिन बात ऐसी सुनी है कि बहुत ज्यादा लोग वहां से दुश्मन के लश्कर में से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खैमे में आए थे। देखिए तारीख जो है, तारीख को तारीख की निगाह ही से देखना चाहिए और तारीख में यकीनन रवायतों में इख्तिलाफ बहुत ज़्यादा है। तारीख बनती कैसे है? आप यहाँ पर दर्स सुन रहे हैं, आप यहाँ के ऊपर अभी मौलाना अकबर महदी साहब ने दर्स दिया और उससे पहले आपने कुरान का तर्जुमा और तफसीर सुनी। ये कितने लोग माशाल्लाह से यहाँ मौजूद हैं? ये जो 70-75 लोग यहाँ पर मौजूद हैं ये सब तारीख का हिस्सा हैं। बाहर निकले एक ही बात यहाँ पर बयान हुई है, लेकिन हर आदमी अपने अपने लिहाज से बयान करेगा। एक आदमी से पूछा आज दर्स में कितने लोग थे, अरे का कम से कम 70-80 लोग थे। दूसरे से पूछा का कितने लोग रहे, 50-60 लोग रहे होंगे। तीसरे से पूछा दर्स में कितने लोग थे, हाँ 40-50 लोग थे। कितनी बातें हो गई एक ही दर्स के लिए, तीन तरीके की बातें हो गई। 40-50 लोग थे, 50-60 लोग थे, 70-80 लोग थे, बस यही चीज है। तो उसमें तारीख में आपको ये सारी चीजें और ये इख्तिलाफात मिलेंगे और उससे हमारे अकीदे के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस वजह से ज्यादा उसमें गहराई में नहीं जाया जाता है। और जो सामने चीजें होती हैं, अगर उनमें से कोई ऐसी तारीख आ रही है कि जो हमारे ईमान और अकीदे को नुकसान नहीं पहुंचा रही है, उसे कबूल कर लेते हैं। अगर कोई ऐसी चीज की जिससे ईमान और अकीदे को नुकसान पहुंच रहा हो तो उसे रद्द कर दिया जाता है। अब आप चाहे जनाब हुर के साथ उनके बेटे को और उनके गुलाम को मानो या 2-4, 10-15 लोगों को मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है हमारे ईमान और अकीदे के ऊपर। यह तय है कि जनाब हुर आए थे, असली है। वो भी इख्तलाफी है, वो भी इख्तलाफी है। जी मैं वही मैं कह रहा हूं कि ये रवायतें हैं और ये तारीख है, इसमें इख्तलाफ बहुत ज्यादा है और अफराद के लिहाज से, तादाद के लिहाज से, सिन और उम्र के लिहाज से, कई लिहाज से सब इसमें इख्तलाफ है। जी और कोई मसला? जी का ही नहीं, हाँ हाँ एहसन तुम सही सवाल किया, बहुत अच्छा। यहाँ ज़ियारत वारिसा में जो महदी है, ये महदी से मुराद इमाम ज़माना नहीं है। यहाँ पर ये जो ज़ियारत वारिसा में जो महदी आता है, ये खुद इमाम हुसैन को कहा गया है कि आप हिदायत याफ्ता हैं, आप हिदायत पाए हुए हैं। जिस तरीके हमारे सारे इमाम महदी हैं, मौला अली भी महदी हैं, इमाम हसन भी महदी हैं, इमाम हुसैन भी महदी हैं, तो ऐसे ही वहाँ के ऊपर वो इमाम हुसैन को या आपके असहाब को खिताब करके कहा गया है और उससे इमाम ज़माना मुराद नहीं है। जिस तरीके से तकी और नकी और सादिक और काजिम अगरचे किसी इमाम के लिए मखसूस है, लेकिन सब हमारे इमाम तकी है, नकी है, काजिम है, सादिक है, ऐसे ही महदी, महदी अगरचे इमाम ज़माना से ये नाम मखसूस है, लेकिन हमारे तमाम आइम्मा
महदी हैं और आपको बहुत इसके अलावा भी दूसरे कई मकामात के ऊपर आपको ये महदी नाम या महदी लफ्ज मिलेगा। तो यहां पर ज़ियारत वारिसा में उससे इमाम ज़माना मुराद नहीं है जी। आज की जो शब है उस सिलसिले में अर्ज कर दूं और बस बात तमाम करूं। आज की जो शब है ये सिद्दीक़ ताहिरा हजरत फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा की विलादत की शब है और आपको एक रवायत सुना के बात तमाम कर दूं। पैगंबर खत्मी मर्तबत ने फरमाया कि जहरा की मोहब्बत फातिमा की मोहब्बत 100 मकाम पर काम आएगी। कितने मकाम पर? 100 मकाम पर, 100 मकाम पर काम आएगी, जिनमें से 100 मौत के वक्त कब्र में, यानी कुछ उसमें इस 100 मकामात में से जो कुछ मकामात हैं पैगंबर ने फरमाया इन 100 मकामात में से कुछ ये हैं, मौत के वक्त कब्र में और जिस वक्त कब्र में सवाल किया जाएगा, जिस वक्त रूह को फिर दोबारा या मसलन खुद उसी जो बरज़खी जिंदगी है वो बरज़खी जिस्म है उससे सवाल किया, जिस वक्त सवाल किया जाएगा और जिस वक्त मुनकिर नकीर आएंगे और सवाल जवाब करेंगे, जिस वक्त कयामत के दिन दोबारा उठाया जाएगा और जिस वक्त नामे आमाल इंसान के हाथ में दिया जाएगा और जिस वक्त इसके नामे आमाल को मीज़ान पे रखा जाएगा और जिस वक्त इसे सिरात से गुजारा जाएगा, ये उन 100 में से कुछ मकामात हैं कि जिन मौक़ों के ऊपर जनाब फातिमा की मोहब्बत और अकीदत एक मोमिन के काम आएगी। यकीनन बहुत बड़ी अजमत है, बहुत बड़ा मकाम है, बहुत बड़ा मर्तबा है जनाब जहरा का और यकीनन उन लोगों का कि जो आपके सच्चे आशिक और आपकी आपसे सच्ची मोहब्बत करने वाले हैं। और हमारी दुआ भी यही है, आज की इस शब में हम आप सब की खिदमत में मुबारकबाद पेश करते हैं और अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि माबूद इसी बीवी के वास्ते से सबकी मुश्किलों को आसान फरमा और सब की मुश्किलात और जो भी परेशान हाल परेशानियों को दूर फरमा। मोमिनीन जहाँ जहाँ भी आबाद हैं सबकी हिफाजत फरमा और फरजंद जहरा मौला इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा और हम सबको इमाम के ग़ुलामों और उनके नासरों में शुमार फरमा। और आप हजरात से गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह हम्द की तिलावत फरमा कर और इसे हदिया फरमा दें सिद्दीक़ ताहिरा जनाब फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा की खिदमत में और उनके तवस्सुत से इसका सवाब इस दर्स में जो मौजूद अफराद हैं उनके मरहूमीन और वो तमाम मोमिनीन की जो आज हमारे दरमियान में नहीं है उनकी अरवाह को पहुंचे। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावात।